नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज है हमारी क्लास नंबर 14 और माप और मापक औजार के जो अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा था माइक्रोमीटर, उसको लेकर के आज हमारा पार्ट नंबर 3 है माइक्रोमीटर को लेकर के। तो माइक्रोमीटर की, या यूँ कहें कि तीसरी क्लास है माइक्रोमीटर में। हमने पिछली दो क्लासों में माइक्रोमीटर के बारे में जाना, लेकिन आज हम पढ़ेंगे वर्नियर माइक्रोमीटर के बारे में। तो माइक्रोमीटर में हमने ये पढ़ा कि जब जॉब को हमें जो है मीट्रिक की अगर बात करें 0.01 mm की शुद्धता में मापना हो तो हम मीट्रिक माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करेंगे, और ब्रिटिश माइक्रोमीटर में जो है 0.001 inch की शुद्धता में अगर जॉब को मापना हो तो हम ब्रिटिश माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करेंगे, है ना। लेकिन वर्नियर माइक्रोमीटर में हम पढ़ेंगे कि जब जॉब को और ज़्यादा एक्यूरेसी में मापना हो तब हम वर्नियर माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो वर्नियर माइक्रोमीटर का प्रयोग जो है क्वालिटी कंट्रोल में होता है, जहाँ पर ज़्यादा एक्यूरेसी में जॉब्स को चेक किया जाता है। तो वर्नियर माइक्रोमीटर में हम पढ़ेंगे ये क्या है, प्रयोग और लिस्ट काउंट सिद्धांत, और लिस्ट काउंट निकालना सीखेंगे। तो ये क्या है मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर को शॉर्टकट में माइक भी बोला जाता है। तो मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर क्या है, मिलीमीटर के 1000वें भाग की शुद्धता मापने का काम मीट्रिक माइक्रोमीटर के द्वारा होता है। ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर की अगर हम बात करें तो इसमें इंच के 10000वें भाग तक की शुद्धता को मापते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा होगी। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, अधिक शुद्धता या एक्यूरेसी वाले जॉब को चेक करने में, क्वालिटी कंट्रोल में इसका प्रयोग ज़्यादा होता है, क्यूसी में, या यूँ कहें कि इसका प्रयोग क्यूसी में करते हैं ज़्यादा शुद्ध जॉब मापने के लिए। और इसका जो प्रिसीजन जो शॉप होते हैं, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स बनाने वाले या बहुत ही बारीक और शुद्धता के साथ जो जॉब बनते हैं वहाँ पर हम वर्नियर माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट की बात करें तो 1/1000 mm बराबर 0.001 mm मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर की शुद्धता होगी। और इंच की बात करें तो इंच में 10000वां भाग होता है ये, तो 1/10000 inch का मतलब होगा 0.0001 inch। तो ये इसकी शुद्धता होगी इंच में। सिद्धांत की बात करें, हमने पढ़ा था माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या होता है, नट व बोल्ट का सिद्धांत होता है या लीड व पिच का सिद्धांत होता है। वर्नियर माइक्रोमीटर में अब क्या होगा कि ये दो सिद्धांतों पर काम करता है। पहला नट व बोल्ट का सिद्धांत जो हमने माइक्रोमीटर में पढ़ा है ना, उसके बाद दूसरा जो सिद्धांत है वो दो स्कूलों के अंतर का सिद्धांत। तो ये दूसरा सिद्धांत है। दो स्केल कौन कौन से होते हैं अभी आगे बढ़ते हैं हम। लिस्ट काउंट निकालना, लिस्ट काउंट हम कैसे निकालेंगे इसका, आप सभी को माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट निकालना आ गया होगा, मैंने पिछली क्लास में लिस्ट काउंट निकालना बताया था। अब इसमें बस थोड़ा सा अंतर है, वो अंतर क्या है मैं आपको बताऊंगा। स्लीव पर डेटम लाइन के समांतर 10 रेखाएं जिन्हें वर्नियर स्केल कहते हैं, है ना। ये देखिए, ये हमारा स्लीव है, स्लीव पर डेटम लाइन बनी हुई है, यहाँ पर mm के निशान अंकित हैं। ये मैं आपको मीट्रिक वाले की बात बता रहा हूँ। सेम ऐसा ही लगभग जो है ब्रिटिश में भी रहता है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर है। ये पूरा जो है माइक्रोमीटर, ब्रिटिश माइक्रोमीटर और मीट्रिक माइक्रोमीटर दोनों जो हमने पढ़े हैं वैसे ही बनेंगे, बस अंतर सिर्फ इतना होगा कि स्लीव पर वर्नियर स्केल बना होगा और वर्नियर स्केल पर 10 रेखाएं बनी होंगी, और वो रेखाएं किसके बराबर होंगी, थिम्बल पर बने हुए जो 9 भाग हैं
इनके बराबर होंगी, यानी कि वर्नियर स्केल के 10 भाग बराबर 9 थिम्बल डिवीजन, या 10 वर्नियर डिवीजन बराबर 9 थिम्बल डिवीजन। ये देखिए यहाँ वर्नियर स्केल है और ये है आपका थिम्बल स्केल, तो यहाँ पर बनी हुई 10 रेखाएं थिम्बल पर बनी हुई 10 रेखाओं के बराबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसी इन्हीं दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे। ये वर्नियर स्केल हो गया, वर्नियर स्केल, और इधर अगर हम बात करें ये थिम्बल स्केल डिवीजन, थिम्बल पर बना हुआ जो एक भाग है, तो इसके बीच का गैप, ये जो गैप है ना, यही हम निकालना सीखेंगे इसमें। तो इसका जो इस अंतर है ये कैसे हम निकालेंगे, और वही इसका लिस्ट काउंट होगा, जो इन दोनों स्केलों का अंतर होगा वही मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का आपका जो है लिस्ट काउंट होगा। तो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 9 थिम्बल स्केल डिवीजन, या 9 थिम्बल डिवीजन। अब ये बताइए कि एक थिम्बल डिवीजन का मान कितना होता है, 0.01 mm होता है। हमने मीट्रिक माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट क्या पढ़ी थी, 0.01 mm, और वही जो है सबसे छोटी माप होती है। तो एक थिम्बल डिवीजन का मान होता है 0.01 mm, तो 9 थिम्बल डिवीजन का मान क्या हो जाएगा, 0.09 mm हो जाएगा। आप चलिए बात करते हैं, यहाँ पर 10 वर्नियर स्केल की बात कर रहे हैं, अगर हम एक वर्नियर स्केल का निकालें तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर हो जाएगा 9/10। यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 10 है, जब ये 10 एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान निकालेंगे तो 10 का जो है भाग हो जाएगा 9 में, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 0.09/10 mm, है ना। अब यहाँ पर 0.09 को और हम अगर सरल करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 9/100, और ये 10 हमारा ऑलरेडी है, तो 9/100 × 10 हो जाएगा। अब अगर इसको हम और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 9/1000 mm। तो ये हमारा आ गया वर्नियर स्केल डिवीजन का मान, वर्नियर स्केल डिवीजन का मान आया 9/1000 mm। जैसा कि मैंने बताया कि दोनों स्केलों का अंतर हमको निकालना है, तो हम लिस्ट काउंट निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्नियर स्केल का हमने निकाल लिया, वर्नियर स्केल का हमने क्या निकाला, 9/1000 mm एक वर्नियर स्केल का, है ना। अब हम निकालेंगे एक थिम्बल डिवीजन का मान, तो एक थिम्बल डिवीजन का मान आपको पता ही है, एक थिम्बल डिवीजन का मान होता है 0.01 mm, और इसको अगर हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/100। अब 1/100 को हम देखिए, यहाँ पर 1000 है, जब अगर हमको अंतर निकालना है तो दोनों के हर हमें बराबर करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे और ऊपर, है ना। तो यहाँ पर हर हो जाएगा आपका 1000 और ऊपर हो जाएगा 10। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों स्केलों का अंतर निकाल सकते हैं। तो एक थिम्बल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन, एक थिम्बल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान क्या हो जाएगा, बराबर यहाँ पर हमने निकाला है एक थिम्बल डिवीजन बराबर 10/1000, यहाँ पर हो जाएगा 10/1000 माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन है 9/1000, तो ये आ जाएगा। इसको हम सरल करेंगे तो ये देखिए दोनों हर बराबर हैं, हर को एक बार लिख लेंगे और 10 में 9 घट जाएंगे तो 1 बचेगा। इसको और सरल करेंगे तो ये देखिए ये 0 जो है पहले लगेगा, फिर दशमलव, फिर 0.01 mm आपका जो है, यही आपका लिस्ट काउंट होगा। एक थिम्बल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन का जो अंतर होगा वही इसका लिस्ट काउंट होगा या LC होगा। चलिए आगे देखते हैं, ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट निकालना हम सीखेंगे। तो देखिए मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर के जैसा ही सब कुछ रहेगा इसमें, बस इसमें क्या करेंगे, इसमें और कुछ चेंजिंग नहीं होगा। इसमें भी वर्नियर स्केल की बात करें तो इसमें भी वर्नियर स्केल पर और थिम्बल डिवीजन
पर वर्नियर स्केल की 10 रेखाएं और थिम्बल डिवीजन पर बनी हुई 9 रेखाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। थिम्बल डिवीजन पर 9 और वर्नियर स्केल पर बनी हुई 10 रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। तो बस हम यहीं से शुरुआत करेंगे कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर किसके होंगे, 9 थिम्बल डिवीजन के बराबर। यानी कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 9 थिम्बल डिवीजन। तो आप बताइए कि ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर की बात हो रही है यहाँ पर, जो ब्रिटिश माइक्रोमीटर था उसमें जो उसकी लीस्ट काउंट थी वो क्या थी, 0.001 इंच, या यूँ कहें कि 1 थिम्बल डिवीजन के बराबर। जो वहाँ पर 1 थिम्बल डिवीजन था वो था 0.001 इंच। तो यहाँ पर 9 थिम्बल डिवीजन क्या हो जाएंगे, 9 गुड़े 0.001 इंच। इसको और अगर हम सरल करें तो ये हो जाएगा 0.009 इंच। तो यहाँ पर एक वर्नियर स्केल डिवीजन का अगर हम मान निकालेंगे तो क्या होगा, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर होगा, ये 10 जो है भाग हो जाएगा 9/10 थिम्बल डिवीजन। ये 9/10 थिम्बल डिवीजन ये जब यहाँ पर 10 से भाग होगा तो यहाँ पर भी होगा, ये हो जाएगा 0.009/10 इंच, है ना, ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको हम हटा देते हैं, अब हम इसका और इसका मान लिखेंगे। एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर 0.009/10 इंच। इसको और अगर हम सरल करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.009 इंच को हम लिख सकते हैं 9/1000। ये देखिए यहाँ पर 3 जीरो है ना, तो यहाँ दशमलव के बाद 2 जीरो हैं तो नीचे आएगा तो ये 3 जीरो हो जाएंगे, और ये 10 पहले से है ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा क्या, 9/10000। ये आ गया हमारा एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान। देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक वर्नियर स्केल और ये जो आपका वर्नियर स्केल डिवीजन और थिम्बल स्केल डिवीजन, इसका जो अंतर होता है वही जो है वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है। तो यहाँ पर हम अंतर निकालेंगे, तो ये वर्नियर स्केल डिवीजन का मान हो गया। अब हम निकालेंगे एक थिम्बल डिवीजन का मान, या थिम्बल स्केल डिवीजन भी लिख सकते हैं या थिम्बल डिवीजन भी लिख सकते हैं। तो आपको पता है कि इंच वो जो हमने पढ़ा था ब्रिटिश माइक्रोमीटर, वहाँ पर लिस्ट काउंट क्या थी, 0.001 इंच। वही जो है एक थिम्बल डिवीजन का मान भी होता है ब्रिटिश माइक्रोमीटर का। अब इसको अगर हम और सरल लिखेंगे, सरल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/1000
इंच। अब इसको अगर हम और देखें, यहाँ पर वर्नियर स्केल डिवीजन में 9/10,000 आया इसका मान। अब यहाँ पर 1,000 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का जो हर होगा वो सेम सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 10/10,000 इंच। चलिए अब हम निकालते हैं इन दोनों का अंतर, एक थिम्बल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान निकालते हैं। एक थिम्बल डिवीजन माइनस माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन, एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर क्या होगा, एक थिम्बल स्केल डिवीजन का मान हमने निकाला 10/10,000 इंच, ठीक है। अब यहाँ पर हम माइनस करेंगे क्या, एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान यानी कि 9/10,000 इंच। अब इसको और सरल करेंगे, ये दोनों का हर सेम है ना। अब इन दोनों को हम एक बार लिख सकते हैं, तो ऊपर दोनों आपस में घट जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक। अब अगर हम इसको और सरल करें, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये सारे कितने जीरो हैं यहाँ पर, हम चार जीरो हम पहले लिखेंगे और उसके बाद एक लिखेंगे। अब देखिए, चूँकि अगर हम यहाँ पे भाग करें तो यहाँ पर तीन अंकों के जो है दशमलव के बाद तीन जीरो यहाँ पर लगेंगे। अगर यहाँ चार्ज हर में अगर चार जीरो होंगे तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो दशमलव के बाद ऊपर तीन जीरो बचेंगे, तो ये हमारा लिस्ट काउंट हो जाएगा। एक थिम्बल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन का जो अंतर होता है वही ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होगा। तो यही हमारा लिस्ट काउंट होगा, 0.001 इंच। बहुत ही आसान है लिस्ट काउंट याद करना, जहाँ पर भी जिस भी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ या सूक्ष्म मापी औजार के साथ वर्नियर शब्द जुड़ता है वहाँ पर दशमलव के बाद एक जीरो हम बढ़ा देंगे। जैसे ब्रिटिश माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या था, 0.001 इंच, और अगर हम यहाँ पर वर्नियर शब्द जोड़ दें तो वहाँ पर हो जाएगा 0.001 इंच। उसी प्रकार mm में भी होगा, मेट्रिक माइक्रोमीटर में क्या था, 0.01 mm, और उसके साथ मेट्रिक वर्नियर शब्द जुड़ गया तो वहाँ पर हो जाएगा 0.001 mm। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोगों ने लिस्ट काउंट निकालने का पहला जो तरीका जो पढ़ा है उसमें दोनों स्केलों के अंतर के सिद्धांत के अनुसार उस लिस्ट काउंट को हमने निकाला था, और यहाँ पर हम आपको बताएंगे लिस्ट काउंट निकालने का दूसरा जो सूत्र है, दूसरा जो फॉर्मूला है उसके बारे में बताएंगे। तो मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर की अगर हम बात करें तो इसकी लिस्ट काउंट हम निकालेंगे तो लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला होगा पिच बटे थिम्बल स्केल डिवीजन यानी कि थिम्बल पर बने विभाग गुणे वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल डिवीजन कहाँ पर बने होते हैं, स्लीव में, है ना, तो वो कितने बने होते हैं, 10। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मीट्रिक माइक्रोमीटर हमने पढ़ा था, तो मीट्रिक माइक्रोमीटर में हमने पढ़ा था कि इसकी जो पिच है, जो स्लीव के अंदर जो चूड़ियाँ काटी होती हैं उसकी पिच है 0.5 mm, है ना, और थिम्बल स्केल डिवीजन कितने होते हैं यानी कि थिम्बल पर बने विभाग कितने हैं, मीट्रिक माइक्रोमीटर में कितने थे, 50 थे, और जो हम वर्नियर माइक्रोमीटर पढ़ते हैं तो वर्नियर माइक्रोमीटर में क्या हो जाता है, वर्नियर स्केल डिवीजन बना दिए जाते हैं 10। तो हम आगे अगर बढ़ें तो 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2, तो यहाँ पर हमने कर दिया 0.5 को 1/2
गुणा 50 गुणा 10 बराबर, इसको अगर हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1000, है ना। उसके बाद इसको और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.001 mm। तो ये लिस्ट काउंट हो गई हमारी मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर की। अब आगे बढ़ते हैं ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट का फार्मूला वही रहेगा, बस बदलेगा क्या इसमें, पिच बदलेगा और थिम्बल डिवीजन बदलेंगे। वर्नियर स्केल डिवीजन जो है, वर्नियर स्केल पर बने विभाग, चाहे वो मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर हो या ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर हो, दोनों में वर्नियर स्केल डिवीजन 10 10 ही रहेंगे। तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर पिच क्या थी, पिच थी चूड़ियों की पिच क्या थी, 1/40 इंच थी। और थिम्बल डिवीजन पर जो थिम्बल पर बने विभाग थे ब्रिटिश माइक्रोमीटर में, वो कितने थे, 25 विभाग। तो यहाँ पर हो गया 25 और वर्नियर स्केल डिवीजन होते हैं 10। इसको हम सरल करेंगे तो ये 1/40 का जो 40 है वो यहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, हर में आ जाएगा। 1/40 गुणा 25 गुणा 10, इसको सरल करेंगे तो 1/10000, और इसको सरल करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो यह हो जाएगा 0.001 इंच। तो ये लिस्ट काउंट हो गई हमारी ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर की 0.0001 इंच। मुझे आशा है कि आपको ब्रिटिश और मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोनों का लिस्ट काउंट निकालना भी आपने सीख लिया होगा। इसी की आशा के साथ हम आपसे मिलते हैं क्लास नंबर 15 में। तब तक हमारे वीडियोज को देखें, और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, ये 14 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, आज क्लास नंबर 14 है। पिछली क्लासेस को आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके, आप ITI ऑनलाइन क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है उसमें जा करके आप सारी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं क्लास नंबर 15 में। तब तक के लिए नमस्कार।